यमुनानगर के सिविल अस्पताल में इस समय हम पहुंच चुके हैं और सिविल अस्पताल में आप मेरे पीछे एक आलीशान बिल्डिंग देख रहे होंगे। हरियाणा सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत पर इस अस्पताल को जो है वो तैयार कर दिया गया है। जी हाँ, बता देना चाहते हैं कि सिविल अस्पताल को नागरिक अस्पताल का नाम भी दिया गया है, इसे नागरिक अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है। और बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि लोगों के लिए, जी हाँ, यमुनानगर की जनता के लिए सिविल अस्पताल के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपये की लागत पर एक बिल्डिंग जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार कर दी गई है। जी हाँ, अस्पताल जो है पूरा बनकर तैयार हो चुका है और कल एक दिन बाद यानी कि 11 मई की हम बात कर रहे हैं, 11 मई की सुबह हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर यहां पर इस अस्पताल के उद्घाटन समारोह के लिए पहुंच रहे हैं। जी हां, यमुनानगर से बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि हरियाणा के सीएम 11 मई की सुबह यमुनानगर के नागरिक अस्पताल में पहुंच रहे हैं, उन्हीं की ओर से यहां पर उद्घाटन किया जाएगा। जी हां, और आप देख सकते हैं यहां पर अस्पताल में पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि एक दिन पहले किस तरह से यहां पर तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से की जा रही हैं। यमुनानगर के तमाम पुलिस विभाग की जो टीमें हैं यहां पर पहुंची हुई हैं। जी हां, कड़े इंतजाम, पुख्ता इंतजाम देखने के लिए पहुंची हुई हैं हरियाणा के सीएम 11 मई की सुबह नागरिक अस्पताल में ये 100 करोड़ रुपए की लागत पर हरियाणा सरकार के द्वारा लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जो सिविल अस्पताल की ये बिल्डिंग बन चुकी है। जी हां, जिसकी लागत पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इसी के उद्घाटन के लिए, उद्घाटन समारोह के लिए मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम है वो 11 मई की सुबह अस्पताल में पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं, पब्लिक के बैठने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, पुलिस की जो तमाम टीमें हैं यहां पर कड़े इंतजाम करते हुए नजर आ रही है। जी हां, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं क्योंकि हरियाणा के सीएम 11 मई की सुबह यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस समय एक बहुत बड़ा एक पंडाल टाइप जैसे एक टेंट होता है, एक बहुत बड़ी जगह जो है इसी नागरिक अस्पताल में कवर कर दी गई है, जहाँ पर यमुनानगर के जो लोग हैं, जो जिलावासी हैं, इस कार्यक्रम में पहुँचने वाले हैं क्योंकि लोगों को आने वाले समय में इस नागरिक अस्पताल के अंदर हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आप देख सकते हैं 100 करोड़ रुपए की लागत पर हरियाणा सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा जो काम है वो पूरा हो चुका है। जी हाँ, बिल्डिंग जो है वो तैयार कर दी गई है और आने वाले समय में जनता को देखते हुए, जी हाँ, जनता को देखते हुए इस अस्पताल के अंदर हर तरह की वो जो सुविधा है वो जनता को, वो लोगों को जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। तमाम तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं पुलिस महकमा। सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल 11 मई की जो घड़ी है नज़दीक आ चुकी है, सिविल अस्पताल का उद्घाटन समारोह के लिए मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारा मुकुंदलाल सिविल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का, जो 200 बेड की बिल्डिंग नई बनी है, उसका लोकार्पण करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी शहर में पधार रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और यहां पहुंचने पर शहरवासियों से उनका बहुत अभिनंदन भी करता हूं। एक बहुत अच्छी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। जब हमारी सरकार आई थी तो उस समय 50 बेड का यहां पर हॉस्पिटल हुआ करता था, उसको 50 से बढ़ाकर पहले उन्होंने 100 बेड का किया और फिर पुनः जनता की डिमांड पर, लोगों की इच्छाओं के अनुसार जो उनकी डिमांड थी, इस अस्पताल को 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड की एक नई बिल्डिंग जो तकरीबन 105 करोड़ की लागत से बनी है और ये बिल्डिंग सेंट्रली एयर कंडीशनड है, वातानुकूलित है, इससे मरीजों को भी सुविधाएं होंगी और इसमें एक नया ओटी जो बिल्कुल लेटेस्ट सुविधाओं के साथ आधुनिक ओटी बनाया गया है और यहाँ पर अभी पहले जैसे डायलिसिस की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ चल रही है, एक सेंटर चल रहा है, निकू वार्ड्स चल रहे हैं, आधुनिक हमारे पास इस ट्रॉमा सेंटर्स में कई अन्य सुविधाएं भी हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक नई सोच के साथ कि मेरे हर जिला स्तर पर जो सिविल अस्पताल हैं वो एक आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस हों और हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज भी बने, इस सोच के साथ उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर हमारे यमुनानगर को एक मेडिकल कॉलेज भी दिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। तो सप्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में करोड़ों रुपए की लागत पर जो है जिलावासियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक बड़ा अस्पताल का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक इच्छा है कि हरियाणा के हर नागरिक को जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, 24 घंटे बिजली मिले, उसको भरपेट भोजन मिले, हर परिवार जो
गरीबी श्रेणी के नीचे आता है उसको मुफ्त में सिलेंडर मिले, उसके घर में पक्की छत हो, तो एक अंत्योदय की योजना, समाज का हर व्यक्ति जो उसकी मूलभूत योजनाओं के तहत उसको उसका लाभ पहुंचे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और जितनी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने आज तक की हैं उनको धरातल पर उतारा है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जितने भी आज तक नींव पत्थर लगाए उन सब का मुहूर्त भी आपके कार्यकाल में हुआ है। और यमुनानगर से तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत लगाव है और यमुनानगर में उन्होंने करोड़ों रुपये की सौगात दी है, चाहे आप बाईपास देख रहे हैं जो पंचकूला से सहारनपुर का बाईपास जा रहा है, या अभी 1250 करोड़ की लागत से कैल से देहरादून एक नया पास बन रहा है, ये सिविल अस्पताल की बात हो, बाडी माजरा का पुल हो, या करोड़ों रुपए से सड़कें हो, नए नए स्कूल्स की बिल्डिंग्स हो, अभी आपने देखा कई करोड़ों रुपए की SMCs के माध्यम से हर स्कूल में विकास कार्य हो रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब हम स्कूलों में जाते हैं सरकारी स्कूलों में, तो सरकारी स्कूलों में टैबलेट्स बच्चों को मिले हैं इसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, LEDs स्मार्ट बोर्ड हर क्लासरूम्स में है, तो हर बच्चा हरियाणा का पढ़े लिखे शिक्षित हो, सुरक्षित हो, उसको अच्छी चिकित्सा मिले, उसको 24 घंटे बिजली मिले, उसको पानी के पीने वाला पेयजल उसको शुद्ध मिले, ऐसी मूलभूत सुविधाओं की ओर माननीय मुख्यमंत्री ने ख्याल किया। और मुझे बड़ा गर्व है कि हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा को एक नई दिशा देते हुए एक हरियाणा को अग्नि राज्य बनाने का काम किया है देश का, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत देश के नासे बल्कि पूरे विदेशों में आज एक उभरता सितारा बन चुके हैं और इसी के चलते CM जो मनोहर लाल खट्टर है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताते नजर आ रहे हैं। तो कल CM सर पहुँच रहे हैं, यमुनानगर के जिला वासियों को अपनी ओर से कोई संदेश या कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं जरूर सभी जिला वासियों से, इस कल का जो कार्यक्रम हो रहा है सिविल अस्पताल में, माननीय मुख्यमंत्री 11 बजे आ रहे हैं, मैं सभी जिला वासियों को सादर आमंत्रित करता हूं कि आइए कल अपने लोकप्रिय यशस्वी विकास पुरुष हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी स्वागत भी करें और उनके विचारों को सुने। हमने एक सुंदर पंडाल उनके लिए वहाँ पर व्यवस्था की हुई है, बैठने के लिए अच्छी सुंदर कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, तो मेरा निवेदन कल सभी शहरवासियों से, आइए शहर को करोड़ों रुपये की सौगात देकर शहर को अग्नि बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए आप आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं 100 करोड़ रुपए की लागत पर नागरिक अस्पताल की जो बिल्डिंग है वो तैयार हो चुकी है, पूरा सिविल अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है और 11 मई की सुबह यानी कि एक दिन बाद कल हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन समारोह के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसके लिए कड़े और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, हर चीज़ की देखरेख की जा रही है, हर जगह का मुआयना किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ तो पार्किंग की सुविधाएँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, पार्किंग किस तरह से यहाँ पर करनी है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, मतलब भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, आराम से हर किसी को निकलने के लिए रास्ता मिले, उसके लिए ट्रैफिक अपनी जिम्मेवारियों को निभाता नजर आ रहा है। स्टेज तैयार कर दी गई है पब्लिक के बैठने के लिए, एक बड़ा जो है वो पंडाल यहां पर जो है वो लगा दिया गया है। दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कल जैसे ही हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचेंगे तो उनकी जितनी भी तस्वीरें होंगी, जितनी भी जानकारी होगी वो आप लोगों के साथ पार्ट टू के साथ जो है शेयर करेंगे। दोस्तों, यमुनानगर के नागरिक अस्पताल से इस समय की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के CM के पहुंचने की खुशी में यहां पर जोरों शोरों से तैयारियां पुलिस महकमे की ओर से, अस्पताल डॉक्टरों की ओर से लगातार शुरू हो चुकी हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और यमुनानगर की हर जरूरी अपडेट को जानने के लिए यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल को अभी तक जिसने फॉलो नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, इसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि यमुनानगर की हर जरूरी अपडेट घर बैठे आप लोगों के पास पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जिला यमुनानगर के नागरिक अस्पताल से मनदीप कर की रिपोर्ट।